मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले देखिए है क्या ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बड़ा है तीन वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से। फर्स्ट वन इज ट्राई, सेकेंड वन इज गॉन एंड थर्ड वन इज मेट्री। इसका मतलब होता है थ्री। गॉन मीन्स साइज, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मतलब तीन साइज के मेजरमेंट को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में तीन साइड भी होता है एंड एंगल्स का भी मेजरमेंट। तीन साइड्स एंड एंगल्स के मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री किसी भी ट्राइंगल जो शेप होगा उसका ही हम मेजरमेंट करेंगे। ट्राई तीन साइड मींस ट्राइंगल। अब इसमें करना क्या है, ये अगर हम देखते हैं कि ट्राइंगल्स कोई भी हो उसी के मेजरमेंट, लेकिन जनरली आपकी क्लास में केवल एक ट्राइंगल के लिए यूज हुआ है, that is right angle triangle. Right angle triangle suppose A B C. इसमें that is one is 90 degree. इसको हम बोलते हैं perpendicular. Perpendicular. इसको हम बोलते हैं hypotenuse. और ये होता है आपका base. Short form B. Short form P. And short form H. मान लीजिए ये अगर आपका थीटा एक एंगल है, एंगल थीटा, या एंगल सी भी कह सकते हैं, या एंगल ए कह सकते हैं, या एंगल अल्फा कह सकते हैं। तो अगर हम हाइपोटन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालें, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज अगर लिखेंगे तो इनके रेशियो को हम बोलेंगे साइन थीटा। जब ये थीटा लिया जाएगा तो याद रखिएगा यहां पर कि इसके अपोजिट में जो साइड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर साइड। अगर इस एंगल को लेते हैं साइन अल्फा ले लेते तो ये परपेंडिकुलर बन जाता और ये हाइपोटेन्यूज सेम रहता। हाइपोटेन्यूज वही चीज रहता है, केवल इन्हीं दोनों चीजों पर जो एंगल यहां पर इंक्लूडेड है साइन के साथ थीटा, साइन के साथ थीटा, समझे साइन के साथ थीटा है। अब अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लेते तो ये आ जाता कॉस थीटा। ये रेशियो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तीसरा होता पी बाई बी का रेशियो लेंगे तो हम बोलते हैं टैन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। अब इन्हीं के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं कॉसेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल कर दे दैट इज एच बाई पी। इसका रेसिप्रोकल कर दे तो sec थीटा होते दैट इज एच बाई डी। इसका रेसिप्रोकल कर दे तो उसको हम बोलते हैं cos थीटा दैट इज बी बाई पी। इतना ध्यान रखिएगा, ये सारे छह के छह रेशियो आपको याद होने चाहिए। कि हमको पूछा जाएगा कि sin थीटा तो क्या लिखो P by H। आप सपोज कर लीजिए कि ये दिया हुआ है आपको 12, ये दिया है 5, ये है 13। अब हम कहें कि sin थीटा लिखा दो यहां से, तो sin थीटा क्या आएगा, sin थीटा थीटा ये वाला दिया गया तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब P by H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin थीटा इक्वल्स टू P by H, यहां होता P by H। P क्या है, P 12 है, H क्या है 13 है, तो ये sin थीटा क्या है। अगर यही हम sin अल्फा की वैल्यू पूछे, देख लीजिए डिफरेंस देख लीजिए, अगर sin अल्फा की वैल्यू हम पूछ लेते तुमको पता है कि P by H होगा, sin लगा है P by H, लेकिन अल्फा यहां पर तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो P by H होता है P by h, इस तरह वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 by 13। समझ में आया, ध्यान से सुनिएगा।
अगर ये अल्फा लिया गया तो इसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर माना जाएगा, ना कि ये जब भी चेंज होगा, और ये लिया जाएगा तो ये परपेंडिकुलर। अगर देखिए अब यहां से हम cos थीटा लिखा, cos थीटा होता है b by x, तो देखिए अभी तो हम देख रहे थीटा ले रहे तो वो परपेंडिकुलर है, b by x 5 by 13। अगर यही चेंज कर दे cos अल्फा ले तो b by h होता है, b by h होता है, लेकिन इस अल्फा के सामने परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b by h यानी 12 by 13। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा नहीं तो सब कंफ्यूज। तो इसी तरीके से हम 6 के 6 रेशियो निकाल सकते हैं जब साइड पता होती है, साइड अगर पता होगा तो cosec थीटा भी निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर, sec थीटा भी निकाल सकते हैं, cot थीटा भी निकाल सकते हैं, tan थीटा, सब की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और आ जाएगी जो कि आपको करना क्या होगा, ये रेशियो आपको याद रहेगा तो आप कर सकते हैं, रेशियो नहीं याद रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। अब हम कर क्या रहे हैं यहां, अब आपको बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए दिया हो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, ऐसे करके एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, ठीक 90 डिग्री, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसमें दे दिया गया हो ये 13 है, ये 5। अब हमें कह रहा है कि फाइंड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक रेशियोज। अब कितने रेशियोज होते हैं, 6 रेशियो, अभी हमने बताया था 6 रेशियो, तो ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन। अब आपको सॉल्व करना, तो हम क्या करेंगे, ये साइड मिली है, ये साइड नहीं मिली, ये हमको निकालनी है। तो देखो ये इसमें आपको लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है 12, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है नहीं मालूम, प्लस बेस कितना है 5 का स्क्वायर, तो ये होता है 169, ये पी स्क्वायर, ये 25, ये इधर जाएगा माइनस होगा, 169 माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। अब पी की वैल्यू निकालेंगे, p is equal to under root 144 that is 12, plus minus 12 आता है, लेकिन minus नहीं दिया जाता है क्योंकि negative sign से कोई distance नहीं measure कर सकते हम, तो यहाँ पर ये आ गया 12। अब 6 के 6 ratio निकाल सकते हो कि sin, अब उसमें 6 के 6 ratio में निकालना क्या हो, sin इसको theta ले लो, निकाल दो sin theta is equal to this sin cos theta tan theta जो भी निकाल लो, या sin c निकालना हो, अगर यहाँ पर साइन सी निकालना हो तो ये परपेंडिकुलर हो, अगर यहाँ पर साइन ए निकालना, एंगल कौन सी दिया है ये वाली, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो पी बाई एच 5/13 आंसर आ गया। इसी तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने, अभी कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहेगा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13, ऐसे दिया है, ये कुछ भी हो सकता है, तो हम एग्जांपल लें, तब आप कहेगा कि खाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, अदर cos tan cot sec ये निकालिए, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ऐसे यहाँ एंगल बनाएंगे थीटा, अब देखो साइन होता क्या है, पी बाई एच, ये होता है पी रिप्रेजेंट्स दिस वैल्यू, एच रिप्रेजेंट्स दिस वैल्यू, तो यहाँ पर p कितना है आपका 12, h कितना है 13, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे निकल आएगा 5, तो उसके बाद इस पे cos थीटा निकल आ सकता है, tan थीटा निकल आएगा, फिर sec थीटा cosec थीटा निकल आएगा, tan थीटा सारे चीज निकल आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में इतना सब कुछ है,
इतना आप अपने जनरल बेसिक चीज में तैयार रखिए और पहला एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना इस ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। अब जो ना आए वो हमसे पूछिएगा, हम सॉल्व करके आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे। अब नेक्स्ट क्लास में इस पर एक्सप्लेन करेंगे बाकी। ओके, थैंक यू।